सो गाइस यार, हमने कुछ दिनों पहले गोबर गैस पर एक वीडियो बनाई थी जिसमें कि आप सभी लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, जिसके लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। और आज की इस वीडियो में हम आपको एक बायोगैस का मिनी प्लांट बनाकर दिखाने वाले हैं, जिसकी मदद से हम अपने घर के कूड़े कचड़े, सली गली सब्जी आदि जैविक चीज़ों से बायोगैस बनाकर दिखाने वाले हैं। और ये 100% वर्क करेगा। और इसे हम किस तरीके से बनाने वाले हैं तो चलिए फिर अपनी वीडियो में देख लेते हैं। बायोगैस बनाने के लिए हमें लेना है कुछ इस टाइप का एक डिब्बा, और जो हमारे साइकिल मोटरसाइकिल की ट्यूब होते हैं उसमें ये कुछ इस टाइप की टूटी लगी रहती है, जो कि हमने एक ख़राब ट्यूब से इस टूटी को निकाल लिया है और इसे इस डिब्बे के कैप पर कुछ इस टाइप से फिक्स करना होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इस डिब्बे से इस कैप को खोल लेंगे, और खोलने के बाद इसके मिडल पर हमें एक होल करना होगा। तो इसके लिए हम सोल्डर आयरन का यूज करेंगे, और हम सोल्डर आयरन की मदद से इस कैप पर हम एक होल कर लेंगे। तो आप देख सकते हो कि हमने होल कर लिया है। अब जो हमारी टूटी है इस पर एक नट कसा रहता है, तो उस नट को हम खोल लेंगे, और इसे खोलने के बाद इस टूटी को इस कैप के अंदर साइड से हम अच्छी तरीके से फिक्स कर देंगे। तो आप देख सकते हो कि इसे हमने कुछ इस टाइप से फिक्स कर दिया है, और इसकी दूसरी साइड से जो इसका नट निकाला था उसे भी अच्छी तरीके से कस के टाइट कर देना है। अब इसे एकदम एयर टाइट बनाना होगा, तो इसके लिए हम एम सील का यूज करेंगे, जो कि आपको मार्केट में 10 रुपये में आसानी से मिल जाएगी। और इसके अंदर आपको 2 एम सील देखने को मिलेगी, एक ब्लैक और वाइट। दोनों एम सील को क्या करना है कि फ्रेंड थोड़ा थोड़ा निकाल लेना है, और दोनों को फ्रेंड बराबर मात्रा में निकालना है, कब ज़्यादा नहीं लेना है, और दोनों क्या करना है कि आपस में अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। तो इसे तो हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब इसे क्या करना है कि इस टूटी के चारों तरफ इस एम सील को लगा देना है, और इसे अच्छी तरीके से चिपका देना है। इससे फ्रेंड बिल्कुल भी एयर लीकेज नहीं होनी चाहिए, और थोड़ी सी भी एयर लीकेज हुई तो ये वर्क नहीं करेगा। जैसा कि आप देख सकते हो कि इसे हमने अच्छे से चिपका दिया है। अब ये कुछ इस टाइप से फिक्स होगा। तो इसे फिक्स करने से पहले इसके अंदर हमें जैविक चीज़ों को भरना होगा। तो इसके लिए हम एक खाली बाल्टी को ले रहे हैं, और इसके अंदर हमें अपनी सड़ी गली सब्जियों को डालना होगा। तो हमारे पास कुछ इस टाइप की ये सब्जियाँ बची हुई हैं, जो कि खाने योग्य नहीं है, ये ख़राब होने लगी हैं। तो इनको हम क्या करते हैं कि छोटे छोटे पीसों में कट कर देंगे, क्योंकि फ्रेंड जो बड़े बड़े पीसे तो होते हैं इन्हें सड़ने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। अब जो हमारे पास सड़े गले फल बचे हुए हैं, जैसे कि ये जामुन बची हुई थी, तो हम इनको भी डाल देंगे, और जो हमारा आटा का छनन निकलता है उसको भी हम इस बाल्टी में भर लेंगे। और इसके बाद हमारी जो रोटी है ये फ्रेंड 4-5 दिन की हो चुकी हैं, क्योंकि खाने योग्य नहीं बची हुई हैं, तो हम इस बाल्टी में डाल लेंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको ये नहीं कहता हूँ कि फ्रेंड्स आप खाना वेस्ट कीजिए, लेकिन फ्रेंड जो आपका खाना खाना योग्य ना बचा हो और जानवर भी ना खा रहे हों, तो आप इससे बायोगैस बना सकते हो। और इसके बाद इसके अंदर हमें पानी को भी भर लेना है, और भरने के बाद इसे क्या करना है कि अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। तो हम क्या करते हैं, एक लकड़ी की मदद से इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हो कि इसे हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब इसे क्या करना है कि इस डिब्बे के अंदर हमें भर लेना है, तो इसे हम फटाफट से भर लेते हैं। तो इसे तो हमने इस डिब्बे के अंदर भर लिया है, और अभी भी हमारा डिब्बा खाली बचा हुआ है। तो जो हमारे गाय भैंस को खिलाने वाला भूसा होता है उसको हम क्या करते हैं कि इस डिब्बे के अंदर हम भर देंगे, और इसे भरने के बाद इसके अंदर हमें पानी को भी डाल देना है। और पानी डालने के बाद इसे क्या करना है कि एक लकड़ी की मदद से कुछ इस टाइप से हिला हिला करके इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। तो इसे हमने मिक्स कर लिया है। अब जो हमारा कैप बचा हुआ है इस डिब्बे का, इस पर इसे कुछ इस टाइप से अच्छी तरीके से टाइटली कस देना है, और इससे फ्रेंड्स एयर अभी भी लीकेज होगी। तो हम क्या करते हैं कि इसके लिए हम एम सील को कुछ इस टाइप से करके और इस डिब्बे के किनारे पर हम कुछ इस तरीके से चिपका लेना है, और इसे अच्छी तरीके से चिपकाना है। फ्रेंड्स, इससे बिल्कुल भी एयर नहीं लीकेज होनी चाहिए, और इसी टाइप से हम इसके चारों तरफ इस एम सील को लगा करके इसे हम अच्छी तरीके से चिपका देंगे। तो आप देख सकते हो कि इसके चारों तरफ हमने एम सील को लगा दिया है, और इसे एकदम एयर टाइट बना लिया है। इससे फ्रेंड्स अब बिल्कुल भी एयर नहीं लीकेज होगी। अब इसके बाद हम ले रहे हैं जो फ्रेंड्स वाटर लेवल वाली पाइप होती है उसको हम ले रहे हैं, और इसे हम जो साइकिल की टूटी लगाई थी उससे इस पाइप को हमें कनेक्ट कर देना है। तो आप देख सकते हो इसे हमने अच्छी तरीके से कनेक्ट कर दिया है। अब इसका जो दूसरा वाला सिरा है इसे हम उस चीज़ से कनेक्ट करना है जिसमें कि हमें फ्रेंड्स बायोगैस स्टोर करना है। तो इसके लिए हम ये मोटरसाइकिल का ट्यूब ले रहे हैं, आप चाहे तो ट्रैक्टर का भी ट्यूब ले सकते हो। और इसकी टूंटी में फ्रेंड्स एक बाल लगा रहता है, जैसे कि आप देख सकते हो ये है वाल। उस बाल को हमें क्या करना है कि निकाल लेना है, और इसके अंदर जो ऑक्सीजन या फ्रेंड्स हवा भरी हुई है उसे क्या करना है कि टूंटी की मदद से हमें बाहर निकाल देना है। फ्रेंड्स, इसमें बिल्कुल भी हवा नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो ये वर्क नहीं करेगा। और फिर जो हमारे पाइप का दूसरा वाला सिरा है इसे क्या करना है कि इस ट्यूब की टूंटी से हमें कुछ इस टाइप से कनेक्ट कर देना है। तो इसे हमने अच्छे तरीके से कनेक्ट कर दिया है, और कनेक्ट करने के बाद इसे कम से कम 5 दिन तक ऐसे ही छोड़ देना है।
तो फ्रेंड्स आज हमें पूरे 5 दिन हो चुके हैं और आप देख सकते हो कि इसमें गैस बनकर तैयार हो चुकी है। लेकिन फ्रेंड्स मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा गैस बन चुकी है, लेकिन फिर भी काफ़ी सारी गैस बनकर तैयार हो चुकी है। और अब हम इसकी टेस्टिंग देख लेते हैं। तो उसके लिए हम एक IV सेट को ले रहे हैं और उसके इनपुट वाले पॉइंट को हम क्या करते हैं कि इसके पाइप से हम कनेक्ट कर दे रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि इसे हमने कनेक्ट कर दिया है और उसके दूसरे वाले सिरे जो सुई वाला सिरा है उसमें हम आग लगा करके देखते हैं कि ये जलती है या नहीं। तो हम क्या करते हैं कि इसमें आग फटाफट से लगा लेते हैं और देखते हैं कि ये वर्क कर रही है या नहीं। तो आप देख सकते हो कि इसने आग को पकड़ लिया है और ये कितने अच्छी तरीके से जल रही है। ये फ्रेंड्स कोई भी फेक वीडियो नहीं है, एकदम रियल वीडियो है और ये 100% वर्क कर रही है और हम आपको एकदम लाइव दिखा रहे हैं, बिल्कुल भी वीडियो कट नहीं कर रहे हैं। और आप देख सकते हो कि जो हमारी बायोगैस है वो कितने अच्छी तरीके से वर्क कर रही है और ये अच्छी तरीके से जल रही है। फ्रेंड्स अगर इस वीडियो पर 2000 लाइक आ जाएंगी तो मैं आपको एक बड़ा बायोगैस प्लांट बनाकर दिखाऊंगा, जिसकी मदद से आप अपने घर के खाना के लिए खुद ही गैस बना सकते हो। तो फ्रेंड्स यार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। फ्रेंड्स ये कोई भी फेक वीडियो नहीं है, इस टाइप से आप अपने घर के खाना के लिए गैस बना सकते हो, लेकिन फ्रेंड्स उसके लिए आपको बड़ा बायोगैस प्लांट बनाना होगा। तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मैं आपके लिए एक बड़ा बायोगैस प्लांट बना सकूं। तो चलिए फिर अपनी अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।